अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहान है और मैं वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में पीएचडी का तालिबे इल्म हूँ। मैं वुहान चाइना से आपसे मुखातिब हूँ। आज आप इस वीडियो का मकसद कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना है जो हमने इस लॉकडाउन में एक्सपीरियंस की और जिस तरह से हमने इसको टैकल किया वो इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में लोग इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं ले रहे जितने इस चीज़ को सीरियस लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं दो मिथ्स इसके बारे में क्लियर करना चाहता हूँ। पहली तो शायद पाकिस्तान में लोगों के जहन में ये है कि गर्म मौसम में ये नहीं फैलता, जो कि रियलिटी नहीं है। गर्म मौसम इसके स्प्रेड को स्लो जरूर कर देता है, लेकिन इसके स्प्रेड को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकता या वायरस को किल नहीं कर सकता। इसकी वाजे मिसाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया में और गल्फ कंट्रीज में, जहां पर इस वक्त अच्छी खासी गर्मी है, वहां भी ये स्प्रेड हो रहा है। तो पहले तो ये चीज मत सोचें कि ये गर्म मौसम से मर जाएगा। दूसरी बात ये कि हम ये समझ रहे हैं कि मोर्टेलिटी रेट इसका सिर्फ 2 से 2.5% है, तो इतने तो आम फ्लू से भी लोग मर जाते हैं और बुखार से भी मर जाते हैं, तो इसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसमें जितना पैसा और जितनी एफर्ट्स चाइना ने इन्वेस्ट की है इस मोर्टेलिटी रेट को 2-2.5% रखने में, वो रिमार्केबल है। वो कोई भी और दुनिया का मुल्क उसका तसव्वुर नहीं कर सकता, और पाकिस्तान जैसा मुल्क तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये मोर्टेलिटी रेट बड़ा इजीली 10-12-15% तक हो सकता था अगर चाइना इतनी एफर्ट ना करता। तो ये बिल्कुल भी आम नॉर्मल फ्लू नहीं है और इसको इस तरह से मत लें। अब ये कैसे फैलता है, इसकी तीन बुनियादी है। अगर आप किसी ऐसे शख्स के कॉन्टेक्ट में आते हैं जिस जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो उससे आपको ये हो सकता है। तीसरा, दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर मुतासरा शख्स किसी जगह के ऊपर मौजूद था और उसने वहां पर खांसी की या छींका, तो उसके जो मुंह से वो जरा वो निकले, ड्रॉपलेट्स निकले, वो किसी सरफेस पे गिर गए और उस सरफेस को, उस चीज को आपने टच किया, तो वहां से ये हो सकता है। थर्ड ये कि वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हवा में मुअल्लक भी रह सकते हैं कुछ अरसे तक। तो अगर किसी जगह पर एक मुतासरा शख्स गुजरा और वहां पर वो छींक गया या खांसी की, तो वहां पर आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप वहां पर ये गुजरते हैं तो आप उन ड्रॉपलेट्स को कैच कर सकते हैं। अब बात यह है कि इसे कैसे बचा जाए। सबसे पहली चीज जरूरी तो मास्क। हमारे पाकिस्तान में शायद इस चीज को एक लोगों ने मजाक बना लिया है कि जी मास्क पहनने का मतलब पता नहीं क्या है। तो सबसे जो इफेक्टिव इसका तरीकेकार है वो तो यह है कि जी आप मास्क पहने। दूसरा, हाथ अपने बार बार धोएं, अपने आप को सैनिटाइज करें, प्लस पानी पिएं, गर्म पानी फ्रीक्वेंटली जितना ज्यादा हो सके सिप करें। ज्यादा एक दफा में ग्लास ना पिएं, 1-2 घूंट काफी है, लेकिन फ्रीक्वेंटली पिएं और बच्चों को खास तौर पे बार बार पिलाएं। अपने गले को खुश्क ना होने दें, क्योंकि ये बेसिकली आपके गले में घर बनाता है और वहां से स्प्रेड करता है। तो अपने गले को किसी भी तरीके से मॉइस्ट रखें, उसको खुश्क ना होने दें। अब जो स्नीजिंग है, जब आप आम नॉर्मल कोल्ड फ्लू में भी स्नीजिंग होती है, तो आप अपनी एल्बो यूज करें बजाय के अपने हाथों के। और ये चीज बच्चों को भी सिखाएं कि एल्बो यूज करनी है, एल्बो में स्नीज करना है, हाथों में नहीं करना है, क्योंकि हाथ आप अनइंटेंशनली अपनी आंखों को, नाक को या मुंह को लगा सकते हैं। ये रुकना इस चीज से, आपने अपने मुंह को गैर जरूरी तौर पर टच नहीं करना, और स्पेशली अगर आपने मास्क पहना हुआ है तो अपने मास्क को आपने टच नहीं करना। सबसे जो जरूरी चीज कि आप अपनी सोशली तौर पे अपने आप को डिस्टेंट कर लें बाकी लोगों से। आपका घर सबसे महफूज जगह है, आप अपने घर को कैसे महफूज रखते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ये वायरस हवा में नहीं है, ये किसी इंसान के जरिए या किसी चीज पर लगकर आपके घर में दाखिल हो सकता है। तो आपने अपने घर को कैसे महफूज करना है ये आप पे डिपेंड करता है। अगर घर में 5 लोग मौजूद हैं तो सिर्फ एक बंदा जो है वो बाहर जाए, बाकी कोई बाहर ना जाए। और जब वो बाहर, और फ्रीक्वेंटली बाहर भी ना जाए, कोशिश करें 4-5 दिन की ग्रोसरी इकट्ठी कर लें और 4-5 दिन के बाद बाहर निकलें, नहीं तो अपने घर में अपने बच्चों को टाइम दें। जो बंदा बाहर जाए वो अपने बाहर जाने के जूते और कपड़े अलग रखें, जाते हुए मास्क पहने, और अगर ग्लव्स पहन सकता है तो ग्लव्स पहने। जब वो घर में वापस आए तो वो जूते और कपड़े गेट के पास ही उतार दे, उन्हें वो घर में ना लेके आए, क्योंकि उन जूतों या कपड़ों के साथ लगकर ये चीज आ सकती है। मास्क अपना वहीं पे डिस्कार्ड कर दें, और मास्क डिस्कार्ड करने से पहले उसको काट दें, या उसकी वो जो साइड पे वो होती है उसको आप तोड़ दें, ताकि वो किसी और यूज, किसी के यूज में ना आ सके दोबारा।
कोशिश करें, जो आप बाहर जूते पहन के गए हैं, कपड़े पहन के गए हैं, जूतों को आप गेट पर उतार दें और कपड़ों को आप उसी वक्त चेंज करके उनको धो दें। उस वक्त तक आप किसी के घर घर के किसी फर्ज से ना मिलें, ना बच्चों के पास जाएं, ना अपने पेरेंट्स के पास जाएं, जब तक आप खुद को वॉशअप नहीं कर लेते बाहर से आने के बाद और अपने कपड़े चेंज नहीं कर लेते। और बच्चों को मना करें, डोर नॉब्स को ज्यादा टच ना करें, गेट जो बाहर वाला गेट है उसको ज्यादा टच ना करें। जो गाड़ी आप यूज करते हैं उसको डिसइनफेक्ट करें और गाड़ी में किसी अनजान शख्स को बैठने ना दें, सिर्फ घर के लोग उस गाड़ी को यूज करें और बेजा तौर पर गाड़ी में किसी और बंदे को ना बैठाएं। जहां तक मुमकिन हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड करें, उससे अगर आप पैदल चल के कोई काम कर सकते हैं तो पैदल चल के वो काम करें, और कोशिश करें जब बाहर हो तो लोगों से कम से कम 6 फुट का डिस्टेंस मेंटेन करें। सबसे जो इफेक्टिव इस चीज को रोकने का है वो है कि आपने इस चेन को ब्रेक करना है। अगर ये चेन में चलता रहेगा, स्प्रेड करता रहेगा, तो ये रोकना नामुमकिन हो जाता है, जब तक आप चेन को नहीं रोकेंगे। और आपने कोशिश ये करनी है कि आप उस चेन का हिस्सा ना बने, अपने आप को उस चेन का हिस्सा बनने से आपने रोकना है। फिर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि हम ये समझते हैं कि हर चीज गवर्नमेंट ने करनी है, हर चीज गवर्नमेंट करे, लेकिन जो चाइना में या वुहान में रह के हमने एक्सपीरियंस किया है कि जो सोसाइटी इसमें रोल प्ले कर सकती है उसको रोकने में, गवर्नमेंट, कोई भी दुनिया की गवर्नमेंट हो, वो ये अरेंजमेंट नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट पे मत रहे, गवर्नमेंट जो कर रही है उसको करने दे, नहीं कर रही नहीं उसको भी छोड़ दे। अब अपनी कोशिश करें, आप जितना खुद को आइसोलेट कर सकते हैं, जितना अपने घर को आइसोलेट कर सकते हैं, जितना लोगों की से दूर रह सकते हैं अपने आप को रखें। जो सबसे ज्यादा एट रिस्क लोग हैं वो या 50+ एज ग्रुप, इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, जो क्रिटिकल इलनेस डेवलप कर लेते हैं इससे, प्लस जिन लोगों में पहले से कोई प्रॉब्लम है, जिस तरह डायबिटिक है, हार्ट प्रॉब्लम है, वो अपने तौर अपने को इससे बचाएं। तो प्लीज इसको खुदा का वास्ता है सीरियस लें, ये जुक्तबाजी से या फेसबुक पे मीम बनाने से ये खत्म नहीं होगा, ना फेसबुक की डिस्कशन से ये खत्म होगा। कि प्लीज इसको खुदा का वास्ता है सीरियस लें। दुनिया का डाटा ये शो करता है कि जहां पर भी ये केसेस 100 से ऊपर गए हैं वहां विद इन वीक ये थाउजेंड्स में चला जाता है। तो प्लीज इसको सीरियस लें और अपनी जो लाइफस्टाइल है और हैबिट्स हैं उसको चेंज करें ताकि इसके स्प्रेड को रोका जा सके, नहीं तो अदरवाइज ये इतना प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा कि आप लोग उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया।